ऑन द बेसिस ऑफ़ डेटाज अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट पाया जाता है तो मॉडरेशन वगैरह लगती है तो ऐसा आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वेल्थ का स्टार्ट हो गया है एंड एवरी ईयर स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर स्कूल क्योंकि सी बी एस ई को कैसे पता चलेगा सोशल मीडिया तो आज है ना पहले तो नहीं था तो सी बी एस ई पहले से ही ये करती है कि स्कूल्स को सारे एंड ऑब्जर्वेश बताने होते हैं सी बी एस ई को कब जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन उसी वक्त ठीक है सो दिस इंगे है ना कि आपका एक ऑफिशियल ई मेल आई डी होना चाहिए जिसके थ्रू भेजा जाए तो लगता है वेरियस ई मेल आई डी से भेजा जा रहा है और आफ्टर सेवरल डेज भेजा जा रहा है आज एग्जाम हुआ आज बच्चों को पेपर टिका कोई सर्टिफिकल्ट लगा इमिडिएटली तो ऑब्जर्वेशन सेंट आर वेग एंड नॉट क्लियर अब अगर मान लो कि क्लैरिटी ही नहीं है कि इस क्वेश्चन पेपर वॉज डिफिकल्ट अब भी ऐसे कह दो कि मॉडरेट था ईजी था तो क्लैरिटी भी नहीं होती है तो दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पर स्कूल्स की तरफ से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट अगर करेक्ट नहीं है बट वॉट इज नॉट करेक्ट इन द क्वेश्चन वो भी तो बताओगे आपके ऑब्जर्वेशन के कोई क्वेश्चन गलत है अगर गलत क्वेश्चन होगी तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आपने लिखा है नहीं लिखा है यू विल गेट फुल मार्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सीबीएसई ये मॉडरेशन पॉलिसी का रूल है ठीक है ये आपके benefit में सीबीएसई इस बार काफी ज्यादा सीरियस है और इसलिए देखो देखो ये circular भी निकाल दिया है है कि लापरवाही को क्या है? देखो, number तो चाहिए उनको लेकिन लापरवाही स्कूल्स बहुत करती हैं तो स्कूल्स को ये बताया जा रहा है कि भाई आप, आप एक परफेक्ट ई मेल जो पर्टिकुलर ई मेल है उस पर ही भेजो और क्लैरिटी के साथ भेजो कि फलाना क्वेश्चन में ये गलत है फिर सीबीएसई अपने पैनल के साथ बैठकर

इन कम्प्लायस विद द इंस्ट्रक्शन भाई एक्शन नहीं लेता है बोर्ड कई बार ऐसा होता है ना कि आपको क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगा बच्चों को मॉडरेशन की पूरी आशा थी लेकिन सर्टन पेपर में ऑब्जेक्शन ना होने की वजह से या क्लैरिटी ना होने की वजह से या डिलेड ऑब्जर्वेशन की वजह से मॉडरेशन नहीं लगती है इसीलिए देखो ये आपके लिए अच्छी खबर है इट इज ए गुड न्यूज सीबीएसई इस पर अलर्ट मोड में है कि बच्चे कम से कम बच्चे हों जो कम्पार्टमेंट वगैरह की कैटेगरी में फॉलो करें क्योंकि सीबीएसई खुले हाथों से मॉडरेशन पॉलिसी लगा रही है सो इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप सब बहुत अच्छे से पढ़िए बहुत अच्छा स्कोर कीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के अगले क्लास में जाइए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट जिनकी केमिस्ट्री की एग्जाम होने वाली है बच्चों केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स जो है वो प्ले लिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है सारे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर इंटायर डिफरेंट कंटेंट्स दैट विल बी अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट, तो so, आप ये देख सकते हैं स्टे अपडेटेड विद चैनल